Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Janab, Secretary Executive Session in Antenna Cortex, Dr. Muhammad Aslam Sahab, Director General North, Tariq Rehman Sahab, Director General Sud Zaman Sahab, Ajin Muhammad Sahab, Director Saiban, ATOs, Udedaran, and Mekrama Ke Digar Alkaro, Assalamu Alaikum. मैं आज की इस पर मुसरत तकरीब में इलेक्शन में बिना मुकाबला मुंतखब होने वाली काबिना के तमाम उद्देदारों को इनकी कामयाबी और बर्दारी की मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं जनाब सेक्रेटरी साहब दोनों डीजी साहिबान खसूसी दिलचस्पी अपनी अंतक मेहनत के नतीजे में तरक्की पाने वाले इंस्पेक्टर साहिबान को भी उनकी तरक्की पर मुबारकबाद देता हूं। मैं इस हकीकत से बखूबी आशना हूं कि महकमे के अफसरान और दीगर अलकार सूबाई व बाकी हुकूमत के हौसला को जमा करने में शब व रोज कोशां हैं। हम इस माली साल में अब तक टैक्स की वसूली के साथ साथ एंटीना क्वार्टेट्स के हवाले से अनहद ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने इस साल अब तक एंटीना क्वार्टेट की रोकथाम की मदद में खैबर पख्तूनख्वा से भी बेहतर नतीजे दिखाए हैं। नौकरी में तरक्की और इलेक्शन में कामयाबी हमें अल्लाह मुनसिब अता करने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियों में भी भरपूर इजाफा करती है। सुबह की मौजूदा माली सूरत हाल में ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए मुंतखब शुदा अरकान अपनी जिम्मेदारियाँ उसी तरीके से अदा करेंगे और लोगों के जायज़ मसाइल सही तरीके से हल कराने की कोशिश करेंगे और इनके मसाइल जो भी मुतलका फोरम से वहाँ तक बहम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि नौकरी में तरक्की पाने वाले अलकार मजीद मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और सूबाई व बाकी वो मसला की उसूली और नारकोटिक की रोकथाम के लिए अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से बरकरार लाएंगे। मैं तमाम अफसरान और अलकारों को ये भी कहना चाहूँगा कि सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर जनरल साहिबान के महकमे मौजूदगी का फ़ायदा उठाए जो बहुत इखलास के साथ महकमे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने भी इनको महकमे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की खसूसी हदायत जारी कर रखी है। हम सब मिलके काम करेंगे ताकि हमारी कारकर्दगी में कमा की नेकनामी का बेस बने। आखिर में मैं महकमे की जिम्मेदारियों को मद्दनज़र रखते हुए इसको सूबाई हुकूमत की खसूसी तवज्जो दिलाने और इसको जदीद खतूत पर इस्तवार करने और हुकूमत की खसूसी मुआनत की फरहमी को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करूँगा और यहाँ पे सफ़रनामा जो पेश किया 8 अज़ला जो है आठ अजला किला अब्दुल्ला चमन जिला बारकान जिला पंचकूर जिला लसबेला जिला मुस्तंग जिला जबराबाद एक्साइज अफसर क्वेटा और एक्साइज अफसर सीबी को 8 पिकअप गाड़ियां दी गई है और इसमें एक गाड़ी जो है मशीन वाला को देना है, ये हमारा हुक्म है। तमाम अजला में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से असला मुहैया किया जाएगा। इंशाल्लाह असला भी आपको मिल जाएंगे। महकमे के तमाम अलकारों से कहना चाहता हूँ
کہ عوام اپنے کاموں کے سلسلے میں دفتر آتے ہیں ملازمین کو اخلاق کی ذمہ داریاں دی ہے کہ عوام کے ساتھ عنایت اخلاق سے پیش آئے تمام اہلکار جو کی ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں انہیں چاہے کہ وہ اپنے بیج ضرور لگائے اگر بغیر بیجتا وہ اسی ٹائم سسپینڈ کرو سیکرٹری صاحب میری تجویز ہے کہ محکمہ ایکسیس کی وردی پرانی طرز کی ہے لہذا وردی بھی تبدیل ہونی چاہے حاجی نیاز محمد صاحب جن مسائل کی نشاندہی کی ہے سیکرٹری صاحب اور ڈی جی صاحب کے ساتھ مل کر آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے آخر میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار اور اسی طرح یہ آج واقعی ان کی وردیوں سے لگتا ہے کہ ایکسائز والے ہیں موجود ہے تر و تازہ لیکن اسی طرح ہونا چاہیے اور ایسا نہیں کہ کل پھر مٹی سے بھرے ہوئے وردیاں یہ روڈ بھی جو ہے یہ جو ہے ہم لوگوں کو توہین ہے ایکسائز کا توہین ہے یہ سب ہونا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم